हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हाइल मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब कोई भी बॉडी किसी भी रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर ऊपर की तरफ मूव करवाओगे अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके एक्सेलरेशन का हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव करा था। In today's video, we will discuss about work done on the rough horizontal plane and inclined plane. दोनों work done के लिए expression निकालेंगे। एक बार सबसे पहले हम निकालते हैं for expression of work done in moving a body on rough horizontal surface. Rough horizontal surface, it means there is a friction between the surfaces, between the surface of two bodies. Which act at the point of contact. Let us consider a body of mass m placed on a rough horizontal surface. The force acting on it is vertically downwards, that is the weight of the body mg, and a reaction given by the surface that is normal to the surface, that is represented by r, the normal reaction r. Then if we want to move this body in this direction, applied force is in this direction, then force of friction is opposite to that. Opposite direction mein force of friction laga diya, that is the applied force, that is the force of friction. Aur force of friction act at the point of contact, humne dikha diya is diagram ke andar. Let this body moves under the force F at the distance or displacement S. Then किसी भी बॉडी को मूव करने की, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने की पहली कंडीशन है कि आपका अप्लाइड फोर्स मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा, अप्लाइड फोर्स कम, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो मूव करवाने के लिए बॉडी की पहली एटलीस्ट फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स हमने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एटलीस्ट ग्रेटर होगा अपने आप मूव करेगी, कम नहीं होना चाहिए, कम होगा मूव नहीं करेगी। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन एफ इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो। आर इज इक्वल टू, फ्रॉम द डायग्राम दीज आर द अपोजिट फोर्स इक्विलिब्रियम पे है, means R is equal to mg. Downward or upward motion नहीं कर रही है body, means surface के ऊपर equilibrium पे है, surface के इधर उधर motion नहीं कर रही, means कहीं ना कहीं दो force आपस में equal है, सिर्फ इधर motion कर रही। R is equal to mg, R की value रखोगे, force applied force must be equal to mu mg, then work done on the body that is equal to force into distance or displacement, means force is equal to mu mg एंड डिस्प्लेसमेंट हमने मानी रखी एस। दिस इज द वर्क डन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन। इफ फ्रिक्शन इज देयर देन दिस इज द वर्क डन। देखो एम इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज एम, दिस इज द फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, म्यू नहीं आएगा उस एक्सप्रेशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वर्क डन दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला दैट इज म्यू एमजी, वेट ऑफ द बॉडी, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन वेट, नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी। नाउ अगले टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन। This is the work done on the horizontal surface. Now horizontal plane. Second is work done on the inclined plane. Inclined plane. Inclined plane के अंदर हम work done निकालने के लिए क्या करेंगे? Both direction. पहले हम निकाल रहे हैं upward direction. Upward. If body is moving upward. Consider a body of mass m on the rough inclined plane which makes an angle theta with the horizontal. Body of mass m
which makes an angle, placed on the inclined plane which makes an angle theta with the horizontal, that this is OA and this is B. OB के ऊपर रखी हुई inclined plane is OB. Then to move a body upward, we have to apply a force in upward direction F. Then force of friction at the point of contact opposite to the force of applied force. Then where is force acting on the body? We have applied F, force of applied force, force of friction opposite to the applied force. Mg, that is vertically downwards, and normal reaction, that is normal to the surface. Normal reaction is given by normal reaction, the reaction given by the surface normally. Normal reaction means force, the force given by the surface normally. Then resolving Mg into two rectangular components, we get resolving Mg into two rectangular components. We have Mg cos theta in this direction, because this angle theta, then this angle is theta, and this component will be Mg cos theta, and this angle component will be Mg sin theta. These are the two component of Mg, Mg cos theta and Mg sin theta. Mg को तोड़ने के बाद हमने कह रखा है कि body is moving upward, then applied force must be equal to, तभी move करेगी, applied force हमने represent कर रखा capital F से, that must be equal to, because here are the यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही है, दो फोर्स काम कर रहे हैं कि डायरेक्शन के अंदर. देखो एक नॉर्मल जो एम जी है उसका कंपोनेंट भी काम कर रहा है नीचे की तरफ, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम कर रहा है, दे आर द अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब हमें अप्लाइड फोर्स कम से कम इन दोनों की को लगाना पड़ेगा, मीन्स एफ प्लस एम जी साइन थीटा, तभी बॉडी मूव करेगी. मान लिया कितनी भी डिस्टेंस मूव करवा दी हमने एम मास को, एस डिस्टेंस मूव करवा दी, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड बाय बॉडी द एज एस अंडर द फोर्स एफ. Then F is equal to, what is the formula for force of friction? That is mu r plus mg sin theta. From the diagram, what is r? R is equal to mg, opposite kon sa hai, cos theta. Putting the value of r, we get applied force is equal to mu mg cos theta plus mg sin theta. Then what will be the work done? W, force into displacement, means mg taken as common, mg humne common le liya. Then we get mu cos theta plus sin theta into displacement S. This is the work done on the rough inclined plane when the body is moving upward. If the body is moving downward, then what will be the work done? Similarly, bilkul as it is case, what will be the work done in moving the body downward? If this is the inclined plane, let a body of mass m placed on this angle theta, then various force acting on the body is mg vertically downwards, normal reaction normally, body is moving downward, then applied force is downward, then force of friction is upward, force of friction upward direction, then resolving mg into two rectangular components, mg ko do rectangular components mein tod do, that is mg cos theta, idhar ek component kon sa aayega, mg sin theta. Then applied force must be equal to applied force, इधर वाला force, अब दोनों direction opposite है, mg sin theta और F की, किस तरफ body move कर रही है, mg sin theta की तरफ, इसका मतलब ये force ज्यादा, ये force कम, इसका मतलब mg sin theta minus force of friction कम है, तब नीचे की तरफ हो सकता है, minus F कर दिया. Then F is equal to mg sin theta minus mu r, and r is equal to mg cos theta. Means then work done will be equal to force into displacement. If this body moves at the distance S, then the work done is equal to force into displacement. Force mg taken as common, we get sin theta minus mu cos theta into displacement S. Both are the same expression, the only difference is minus. यहाँ पे अगर बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है प्लस साइन आया है, यहाँ बॉडी अगर नीचे की तरफ मोशन कर रही है माइनस साइन आया है. देयर इज नो डिफरेंस इन द वर्क डन बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन, देन देयर इज द डायरेक्शन ऑफ देयर इज द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव. दिस इज द वर्क डन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इनक्लाइंड प्लेन, रफ इनक्लाइंड प्लेन इन मूविंग ए body.
अगले हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.